बॉलीवुड के जाने माने अभिनेता चंकी पांडे ने यूं तो कई फिल्मों में काम किया, लेकिन बतौर लीड हीरो उनकी शायद ही कोई ब्लॉकबस्टर फिल्म आपको याद हो। चंकी बॉलीवुड के ऐसे सितारे रहे जिन्होंने काम तो बहुत किया, लेकिन उनको वो मुकाम हासिल नहीं हुआ जिसके शायद वो हकदार थे। हिंदी सिनेमा में भले ही चंकी पांडे का सिक्का ना चला हो, लेकिन आज भी वो बांग्लादेश के सुपरस्टार है। जी हाँ, बांग्लादेश फिल्म इंडस्ट्री में चंकी को महानायक का तमगा दिया गया है। 26 सितंबर 1962 को चंकी का जन्म मुंबई में हुआ था। आग ही आग से बॉलीवुड में डेब्यू करने वाले चंकी का असली नाम सुयश पांडे है। घर में प्यार से उनको चंकी बुलाते थे, वही नाम उन्होंने फिल्मों में भी जारी रखा। कहा जाता है गोविंदा के कारण चंकी को पहली फिल्म ऑफर हुई थी और गोविंदा के स्टारडम के आगे ही उनका करियर खत्म भी हो गया। पाप की दुनिया, खतरों के खिलाड़ी, जहरीले और आंखें जैसी हिट फिल्में देकर बॉलीवुड में आगे बढ़ रहे चंकी ने साल 1988 में तेजाब में अनिल कपूर के दोस्त का किरदार निभाया था, जिसके लिए उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था। 90 का वो दौर था जब चंकी को ज्यादातर सहायक किरदार मिलने लगे। तेजाब में नजर आने के बाद चंकी पांडे ने अंधाधुंध लगभग 20 फिल्में साइन कर ली थी। पैसा कमाने के लिए चंकी ने ये फिल्में साइन तो कर ली थी, लेकिन इनमें से कुछ फिल्में चली और ज्यादातर फिल्में फ्लॉप हुई। करियर के लिहाज से चंकी का ये फैसला बेहद गलत साबित हुआ था। धीरे धीरे उनको काम मिलना बंद हो गया। मौके की नजाकत को देखते हुए चंकी पांडे ने बांग्लादेशी सिनेमा का रुख कर लिया। चंकी का ये फैसला उनके करियर के लिहाज से बेहद लाभदायक भी साबित हुआ। साल 1995 में चंकी पांडे ने पहली बार बांग्लादेशी फिल्म में काम किया। स्थानीय भाषा न आने के बावजूद चंकी ने बांग्लादेश में स्टारडम का स्वाद चखा। चंकी ने स्वामी कैनो आशामी, देश कोरेची, प्रेम कोरेची समेत कई हिट फिल्में दी। बैक टू बैक कई फिल्में करने के बाद चंकी को बांग्लादेशी सिनेमा में ऐसी पहचान और शोहरत मिली जैसे हिंदी सिनेमा में शाहरुख खान से लेकर अमिताभ बच्चन के पास है। बांग्लादेश में अपना सिक्का जमाने के बाद चंकी ने एक बार फिर बॉलीवुड में वापसी की। साल 2003 में आई मल्टी स्टारर फिल्म कयामत में चंकी एक वैज्ञानिक का नेगेटिव किरदार निभाते नजर आए। इसके बाद उन्होंने पेइंग गेस्ट, हाउसफुल, हाउसफुल 2, बुलेट राजा जैसी फिल्मों में भी काम किया। पास्ता के नाम से मशहूर चंकी पांडे ने अपने करियर में कॉमेडी के साथ साथ नेगेटिव किरदार भी निभाए हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप एंटरटेनमेंट की कोई भी खबर मिस ना करें। चाहे बॉलीवुड और टीवी से जुड़ी बिग न्यूज हो या स्टार्स का लाइफस्टाइल, बी टाउन की कोई पार्टी हो या सेलिब्रिटीज की डेटिंग, फिल्म और टीवी इंडस्ट्री की गॉसिप हो या कॉन्ट्रोवर्सीज, हर वीडियो मिलेगा E24 पर। तो फिर धमाकेदार एंटरटेनमेंट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए E24।